हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 8 की बात करते हैं। तो स्पेशल एक्सेप्शन है। अब स्पेशल एक्सेप्शन में देखेंगे नथिंग इन दिस सेक्शन 6 और 7। तो ये अगर आप सेक्शन 8 देखोगे तो सेक्शन 8 आपको देखने मिलेगा, ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो अगर आपने सेक्शन 6 और 7 नहीं पढ़ाया तो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लिमिटेशन एक्ट के प्लेलिस्ट में आपको सेक्शन 7 तक मैंने कवर कर लिया था। अप्लाइज टू सूट टू इम्फोर्स राइट ऑफ प्रियम्पशन। पहली बात एक क्या है कि आपको प्रियम्पशन के राइट में, प्रियम्पशन के राइट जो है उस पर सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और शैल बी डीम्स टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 ईयर्स। और क्या बात कर रहा है, 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कब, जब आपकी कोई डिसेबिलिटी या आप उस पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाए खत्म। ठीक है, या आप क्या करने देखने को मिलेगा आपको कि डेथ कॉज हो जाए उस पर्सन की, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन की बात कर रहा है। क्लियर है, और एप्लीकेशन का इसका मतलब होता है, एप्लीकेशन के अंदर हम हमेशा इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड पिटीशन। क्लियर है, ये ऑलरेडी हमने सेक्शन पढ़ लिया था। जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन जब आता है वर्ड, तो इसका मतलब होता है इंक्लूड पिटीशन। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या ये क्यों राइट प्रियम्पशन की बात कर रहे हैं, कि प्रियम्पशन पे अप्लाई नहीं होता, और ये 3 ईयर्स का रूल क्या है उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट ऑफ प्रियम्पशन की बात करते हैं तो प्रियम्प्टिव राइट क्या होता है, देखिए बेसिक समझिए। अगर ए पर्सन है उसका घर है और यहाँ बी पर्सन आपको दिख रहा है, ठीक है, बी पर्सन क्या करना चाहता है, अपना घर जो है बेचना चाह रहा है, और उसने किसको बेचना चाह रहा है, वो सी पर्सन को। कि मैं सपोज कीजिए कि उसने 20 लाख रुपए अमाउंट फिक्स किया है। ठीक है, 20 लाख रुपए उस पर्सन ने इसकी वैल्यू डिसाइड की है। ए पर्सन, ए के पास क्या है, प्रियम्प्टिव राइट है कि वो क्या करता है, क्लेम करता है कि भाई आप मुझे क्या करो, ये फ्लैट या जो आपका घर है उसको आप बेचो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, प्रियम्पशन केस में अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखोगे तो आपको प्रिस्क्राइब पीरियड जो देखने को मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा। लेकिन हमने क्या कह दिया कि मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था, सेक्शन 6 और 7 जब याद करिएगा तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, लीगल डिसेबिलिटी। अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी है तो उस केस में टाइम स्टार्ट आपका नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रियम्पशन केस में नहीं अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी लीगल डिसेबिलिटी पर्सन या तो माइनर है, इनसेन है या इडियट है, उस केस में भी क्या होगा, आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और 1 साल मैक्सिमम टाइम है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई रेमेडी लेनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, जो ए पर्सन है अगर मान लीजिए माइनर है पर्सन, तो वो क्या करेगा, अपने एलआरस के थ्रू क्या करता है, सूट फाइल करवा सकता है वो पर्सन। ठीक है, तभी आप प्रियम्प्टिव राइट को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जब 1 साल अगर खत्म हो गया उसके बाद आपको 1 दिन का भी आगे एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है इस केस में। क्लियर है ये पॉइंट। अब बात करते हैं 3 ईयर्स रूल्स की। तो 3 ईयर रूल होता क्या है, ये आपको बेसिक समझ आया। देखिए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन देख के चलेंगे। फर्स्ट हमने देखा है कि मान लीजिए जब टाइम पीरियड 3 साल से कम रह जाए, ठीक है। दूसरा केस ऐसा होगा कि 3 साल एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा टाइम पीरियड जो बचेगा। और तीसरा ऐसा केस होगा जब मोर देन 3 ईयर्स की बात करते हैं, ठीक है। तीनों सिचुएशन होती है, तो वन बाय वन हम तीनों डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर 3 साल से कम टाइम पीरियड बचा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे। अगर एग्जैक्ट 3 साल का टाइम पीरियड बचा है तो उस केस में क्या किया जाएगा। और अगर तीसरा केस हम देखते हैं कि अगर 3 साल से ज्यादा का टाइम बचता है तो उस केस में हम क्या रूल फॉलो करते हैं। क्लियर है, तो देखिए फर्स्ट केस हम एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट केस का, जो कि बात कर रहा है कि 3 साल से कम टाइम पीरियड बचा है तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपका कॉज ऑफ एक्शन यहां पे अराइज हुआ, मान लीजिए आपको सूट फाइल करना था किसके रिगार्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन नॉर्मली यहां पे खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होगा। और पर्सन हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 6 और 7 हमने पढ़ा है कि मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीगल डिसेबिलिटी थी, लीगल डिसेबल था पर्सन। तो अगर मान लीजिए लीगल डिसेबिलिटी अभी कंटिन्यू है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 1 साल ये मानिए, 2 साल ये, और ये 3रा साल, ठीक है। उस पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी अगर देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गई, ठीक है। इस मान लीजिए वो पर्सन क्या था, 17 साल का था, 17 साल का पर्सन था जो प्लेंटिव, ठीक है। तो 1 साल बाद क्या हुआ उसकी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 18 साल का हो जाएगा। तो इसका मतलब डिसेबिलिटी खत्म हो गई। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से डिसेबिलिटी खत्म होती है, अब यहां से क्या बचा इसके पास, इस पर्सन का अगर टाइम काउंट करोगे तो यहां से उसके पास 2 साल का टाइम पीरियड बचा है, 2 साल का
उसके पास टाइम पीरियड बचा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, इस रूल के हिसाब से आपको देखना है, और रूल्स के हिसाब से आपको क्या करना है, इसके आगे एक साल और ऐड कर दोगे आप, एक साल प्लस 1 ईयर आप ऐड कर दोगे। क्यों करना है? क्योंकि हमें बेसिक क्या बनाना है, इसको 3 इयर्स मिनिमम आपको पर्सन को 3 इयर्स देने हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो क्या हुआ कि अगर एक साल पर्सन का लीगल डिसेबिलिटी में बीता है तो वो क्या हो जाएगा, हम हटा देंगे उस टाइम पीरियड को, उतना ही टाइम पीरियड आप क्या करोगे कि जितना वो 3 साल बन जाए। क्लियर है? ये पहला रूल बोलता है। अगर आप भी पीसीएस जे के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आनंद सर 10 कोड यूज कीजिए तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जहां पे आप थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ कम्पीट करते हैं और अपने एम को अचीव करने में मदद मिलती है आपको, जहां पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस डेली मिल जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो क्लासेस देखने को मिलेंगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, लोकल एक्ट्स सारे स्टेट्स के कराए जाते हैं, सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी ज्यूरिसप्रूडेंस, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो उस केस में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आप लाइव चैट के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पोल्स का ऑप्शन आपको मिलता है एमसीक्यू फॉर्म में, रेज अ हैंड आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसमें आप कॉल करके एडुकेटर से क्लास के बीच में डाउट क्लियर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल होती है जिससे आप कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। पीडीएफ फॉर्म में लेक्चर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और घर बैठे आप भी कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं क्लासेस को। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्विजेस और टेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। किसी भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां का आपका कोर्स पूरा कराया जाता है, प्लस आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। इसके साथ ही एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे, जो कुछ बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, डेट देख सकते हैं जैसे, ठीक है। लेकिन कल लॉन्च होने वाला एक नया बैच जो कि 22 सितंबर कल से लॉन्च होगा, लॉ फॉर ऑल 1.0 बैच जो है, 1 ईयर बैच फॉर जुडिशियल एग्जाम, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उस केस में आप कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के पैक की बात करें तो उस केस में आपको 1 मंथ से लेके आपको 24 मंथ्स के प्लान अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप प्लान लेते हो और उसमें आप कोड यूज करते हो आनंद सर लाइव तो उसमें आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन ले लें क्योंकि कल लास्ट डेट है आपको, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, प्राइसेस 10% बढ़ने वाले हैं। 23 सितंबर से प्राइसेस 10% इंक्रीज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे करंट प्राइस की बात करें और न्यू प्राइस में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हम बात करें 24 मंथ्स के प्लान की, तो 24 मंथ्स का प्लान अभी आपको 50,000 में मिलता है, लेकिन 50,000 से आपको कैसे डिस्काउंट मिलेगा, आप आनंद सर लाइव कोड यूज करें तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। तो यही आपको जो ऑफर देखने को मिलेगा, 50 की जगह 45,000 का पड़ जाएगा प्लान। और अगर आप 22 के बाद लेंगे तो ऑब्वियस है आपको 50,000 पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हमें आप फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको लाइव फ्री क्लासेस मिल जाती हैं रेगुलरली, और इसके साथ आप अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। इस दिन आप क्या थे, लीगल डिसेबल थे, डिसेबिलिटी थी, मान लीजिए आप इनसेन थे, ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी थी आपके पास, इनसेन थे, लेकिन वो आपका जो केस था वो था इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई केस होता है तो उसमें आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 साल का होता है, 12 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है आपको। अगर मान लीजिए वो पर्सन 9 साल बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, 9 साल एग्जैक्ट बाद वो क्या होता है, पर्सन सही होता है, ठीक है, उसके लिए डिसेबिलिटी जो लीगल डिसेबिलिटी थी वो खत्म होती है। तो ऐसे केसेस में जब देखोगे तो ऑब्वियस मतलब कितना टाइम बचा यहाँ पे आप उस पर्सन के पास, एग्जैक्ट 3 इयर्स का टाइम बचा है उसके पास, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, 3 इयर्स का एग्जैक्ट टाइम बचा। तो इस केस में 0 डेज का एडिशन करोगे आप, मतलब कोई डेज का एडिशन नहीं करोगे आप, क्योंकि उस पर्सन के पास ऑलरेडी अभी क्या है, 3 साल का टाइम उसके पास बचा हुआ है। तो हमें बेसिकली देखना है कि कितना टाइम आपके पास ऑलरेडी लेफ्ट है। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे कि मैक्सिमम आप कितना 3 साल तक उस चीज को बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखिए 3 साल ऑलरेडी उसके पास है तो एक भी दिन का टाइम पीरियड नहीं ऐड किया जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। सिचुएशन देखते हैं हम लोग, जब मान लीजिए यहाँ कॉज ऑफ एक्शन था, कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, लेकिन उसी डेट पे क्या पर्सन था, लीगल डिसेबिलिटी थी उस पर्सन की, ठीक है। और लीगल डिसेबिलिटी आपको 3 ही केस में देखने को मिलेगी,
या तो पर्सन माइनर हो, ठीक है, दूसरा या तो इंसेन हो, या तीसरा क्या होगा, इडियट। इन्हीं तीन केसेस में, इसके अलावा कोई भी और लीगल डिसेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, सेक्शन 6 और 7 की जब बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन हमने क्या पढ़ा इसमें, लास्ट केस हमने पढ़ा था, पहला केस हमारा कि 3 साल से कम टाइम बचा है तब, दूसरा केस हमने पढ़ा कि 3 साल एग्जैक्ट टाइम, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा होगा तब क्या होगा। यहाँ कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पर आपका क्या था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो था वो 12 साल था, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मानिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस पढ़ रहे हैं हम लोग, मान लीजिए, तो अब कैसे होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए 2-3 साल, जो भी 2 या 3 साल बाद, 3 साल मान लेते हैं हम लोग, 3 साल बाद पर्सन क्या था, जो इंसेन पर्सन था उसकी इंसेनिटी, ठीक है, वो सही हो गई, वो पर्सन सही हो गया, क्या हो गया, लीगल डिसेबल जहाँ था पर्सन, उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो चुकी है इस, तो इस टाइम तक तो हम एक्सक्लूड करेंगे ही, लेकिन उसके बाद क्या है, ऑलरेडी अब ये नहीं करेंगे कि जो ये टाइम पीरियड था उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करने वाले हम लोग, हमें क्या देखना है कि मिनिमम उसके पास, पर्सन के पास 3 साल का टाइम होना चाहिए। अब यहाँ पे अब 3 साल के बाद अगर मतलब ठीक हो गया पर्सन, तो उसके पास अभी भी कितने बचे हैं, 9 साल बचे हैं वो, उसके पास, उस पर्सन के पास अभी 9 साल का टाइम पीरियड बचा हुआ है। तो ऐसे केसेस में ये 9 साल का आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, 9 साल का, 9 ईयर्स का, ठीक है, उससे आपको एक्सटेंड नहीं करना है, आपको एक्सटेंड नहीं करना है, यहाँ पे आगे एक्सटेंड किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको, क्लियर है। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, एक बार डिसेबिलिटी खत्म हो गई यहाँ पे, मान लीजिए खत्म हुई थी, और उसके बाद ये टाइम काउंट होना शुरू हुआ मान लीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा पर्सन यहाँ पे लीगल डिसेबल हो गया, तब आप टाइम नहीं रुकेगा, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट, समझ आ गया आप लोगों को सेक्शन 8। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।